एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के मैप। तो जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम में मैप आता है और इम्पोर्टेंट है, तो मैप की हमने दो मैप की प्रैक्टिस की है। अब आते हैं हम अपने तीसरे मैप पे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक बच्चे ने जैसे मैप पिछला मैप करवाया था मैंने, वहाँ पे जो लाहौर बताया था मैंने, इस जगह पे बताया था, तो एक बच्चे ने ये कहा था कि सर लाहौर जो है आपने गलत बताया है। तो मैं उसे ये बताना चाहता हूँ, बेटा अगर जो पॉइंट मैंने CBSE के मैप से बताया था और जो CBSE के मैप में जो पॉइंट आपको दिखाया होगा, आपको वही बताना है। मुझे पता है कि भाई लाहौर यहाँ नहीं बल्कि अगर नीचे है, या मुझे पता हो ऊपर हो या कहीं पे भी हो, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बतानी। समझ रहे हो? जो मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में जो पॉइंट बना हुआ है ना, आपको पता है कि लाहौर इधर है और कोई चीज़ नहीं दे रखी, तो आपको उसी पॉइंट को ही लाहौर मानना है। बेशक से आप जानते हो चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो चाहे कहीं पे भी हो, मतलब हो सकता है थोड़ा ऊपर हो सकता है थोड़ा नीचे हो, उससे मतलब नहीं। आपको जो पॉइंट दिखाया आपको वही मानना है। अब मान लो जैसे मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में कोई जगह है, ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, इसके अंदर सिर्फ एक ही जगह है जम्मू कश्मीर में जो आपके मैप में आई है, बाकी सारी जगह या इधर 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 अलग अलग जगह से, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक ही है। अब मान लो एग्जैक्ट उसकी जो लोकेशन है वो इस जगह पर है, ठीक है, और तुम्हें पता है कि ये चीज़ यहाँ पर है, लेकिन जो पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पर ना होकर पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम इसको गलत बोल के इसको सही करोगे, यानी अपना नया पॉइंट बनाओगे? तो ऐसा मत करना, जो दे रखा है वही करना। तो मैंने भी उसी के अकॉर्डिंग करवाया था जो मैप में दे रखा है। और पेपर में अगर कोई गलत होता है ना CBSE की तरफ से, तो उसके नंबर सभी को मिलेंगे। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है जल्दी, लेकिन अगर होगा तो नंबर मिलेंगे। लेकिन तुम मत ऐसी गलती करना कि तुम उसे सुधारने लग जाओ, बोलो भाई ऐसे करना है वैसे करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने मैप पे। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ महाजनपद दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इन महाजनपदों को पढ़ना है। जैसे पहले नंबर पे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, राजगीर, उज्जैन, तक्षशिला, वाराणसी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब क्या बात आ रही है, अब ये आ रही है कि इसमें हमें वो देखना है जो हमको पता है। हमको क्या पता है कि वाराणसी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है। हमको पता है कि तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है, नॉर्दर्न पाकिस्तान, ठीक है। एक वीडियो में मैंने गलती से इसे अफगानिस्तान बता दिया था, क्योंकि मेरे पे मैंने मैप देखा था एग्जैक्ट, मुझे जल्दी से पता नहीं लगा, जल्दीबाजी में वीडियो बनाई थी तो वहाँ गलती हुई थी। आप तक्षशिला को पाकिस्तान समझना, ठीक है। अब आते हैं हम उज्जैनी। उज्जैन कहाँ पे है दोस्तों? उज्जैन, इसको पहले उज्जैनी बोला जाता था, लेकिन अब जो बोला जाता है इसको, अब इसको बोला जाता है उज्जैन। तो उज्जैन हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश में, यानी कि MP में। फिर इसके बाद आप देख पा रहे हैं राजगीर, राजगीर जो पड़ता है वो पड़ता है बिहार में। फिर आप देख रहे हैं अवंती, अवंती जो पड़ता है वो पड़ता है MP में। इसके बाद है गांधार, गांधार जो है वो हमारा है पाकिस्तान में। ठीक है, आप एक बार इसे मैच जरूर कर लेना इन चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी पढ़े हुए, हो सकता है कुछ ध्यान से ना उतर जाए। पांचाल जो था वो यूपी में था, और कुरु जो था वो यूपी में था, और तीसरे नंबर पे है कौशल, कौशल जो है वो यूपी में है, मगध जो है ये बिहार में है, और वज्जी जो है ये बिहार में है। तो इस तरीके से हमको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो जगह है वो किस राज्य में है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, और अगर आज के टाइम पे तुम इनको सर्च करोगे ना गूगल मैप पे इन नामों से, तो बहुत सारी जो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनके नाम जो हैं वो बदल चुके हैं। जैसे हम पाटलिपुत्र पढ़ते थे पर उसको अब पटना बोलते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ों के में चेंजेस हैं। अब आते हैं हम मैप पे। ये जो मैप है दोस्तों, ये दिए गए हैं CBSE की तरफ से, यानी कि साइट पे आपको मिल जाएंगे वहाँ से, तो वहाँ से लिए गए हैं। इसमें पॉइंट हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो आपको इन्हीं को सत्य मानना है जो भी है, और सुधार करने की कोशिश मत करना अपनी तरफ से, जो है वो सही है ये मान के चलो। और आपको एग्जैक्ट नहीं चाहिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सी जगह जो है वो किस जगह पे पड़ती है। अब देखो भाई, हमने मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख देता हूँ। पहले नंबर पे था वज्जी, दूसरे नंबर पे था मगध, तीसरे नंबर पे था कौशल, चौथे नंबर पे था कुरु,
पांचवें नंबर पे था पांचाल, छठे नंबर पे था गांधार, सातवें पे था अवंती, आठवें पे था राजगीर, राज लिख देता हूँ खाली, नौ पे था उज्जैन और 10 पे था तक्षशिला और 11 पे था वाराणसी। ठीक है भाई, तो ये हमने क्या करा, लिखा। अब देखो हमें क्या है, ये पॉइंट आंसर दे रखे हैं, लेकिन पेपर में जो तुम्हें होगा वो तुम्हें आंसर नहीं दिया होगा, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ है। पहले नंबर पे क्या है, वज्जी, तो इसको हम वज्जी दर्शा देता हूँ मैं आपके सामने। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है हमें, मगध, तो मैं मगध लिख देता हूँ। फिर इसके बाद तीसरा नंबर देखो कहाँ पे, तीसरा है कौशल, यानी इसको मैं लिख देता हूँ कौशल। फिर क्या है, चौथा कुरु, ये है फोर नंबर, यानी इसको मैं कुरु लिख देता हूँ। फिर है पांचवा पांचाल, यानी कि ये पांचाल हो गया। फिर इसके बाद जो छठा है गांधार, ये हो जाएगा गांधार। फिर इसके बाद है दसवां तक्षशिला दिख रहा है ना आपको, तो तक्षशिला भी लिख लो। इसके बाद आते हैं हम सातवें, और सातवां और नौवां हमें दिख रहा है, जो सातवें पे हमारा अवंती है और नौवें पे हमारा उज्जैन है, ये दोनों ही एमपी में है, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे अवंती और नौवें नंबर पे लिख लेंगे उज्जैन। और क्या बच गया हमारा, 11 नंबर बच गया, तो ये है 11 नंबर, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। 11 पे हमारा वाराणसी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब हमें क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वज्जी जो था हमारा बिहार में था, मगध जो था हमारा बिहार में था, कौशल जो था यूपी में था, कुरुजा था यूपी में था, पांचाल जो था यूपी में था, गांधार जो था पाकिस्तान में था, अवंती जो था मध्य प्रदेश में था, और राजगीर जो था बिहार में था, उज्जैन जो था वो कहाँ पे था, और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में था, और तक्षशिला जो था वो पाकिस्तान में था, वाराणसी जो यूपी में। अब ये दोस्तों हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इन चीज़ों को आपको एक बार अच्छे से लाइव मैप पे दिखाऊंगा, बिल्कुल गूगल मैप पे। तो यहाँ से हमने ये कर लिया, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, और प्लीज़ एक बार ना आप सर्च कर लेना अच्छे से। ठीक है, कोई चीज़ कहीं उल्टी पुल्टी तो नहीं है इस तरीके से। और भाई मैं कोशिश तो अपनी तरफ से करता हूँ कि बिल्कुल बेहतर ही बताऊँ, अच्छा बताऊँ, पर छोटी मोटी मिस्टेक अगर हो जाती है ना अगर कहीं, तो उसे तुम इग्नोर कर दिया करो या फिर कमेंट में बता दिया करो, लेकिन ये मत सोचा करो कि मतलब गलत बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से सही बताता हूँ। लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, उसमें हो सकता है कि दो तीन वीडियो में थोड़ी बहुत मिस्टेक रही हो, क्योंकि दोस्तों लिख कर बनाना ना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, एनसीईआरटी की बुक भी गलत छाप देती है। मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में एक चीज़ गलत छपी हुई है, एक अखबार पढ़ रहा हूँ मैं 10 साल से, नव भारत टाइम्स, 500 बार मैंने उसमें गलतियाँ देखी हैं। तो जब इतना रेपुटेटेड, जो मतलब इतना सम्मानीय अखबार है, उससे गलती हो जाती है, एनसीईआरटी हमारी बुक से गलती हो सकती है, तो छोटी मोटी मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है। भाई भगवान तो हूँ नहीं मैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ बेहतर बताने की। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ज़रूर याद रखनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर